दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को राजस्थान के हाथों 15 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में हमें एक मामला देखने को मिला। दरअसल मामला यह था कि दिल्ली टीम के कप्तान ऋषभ पंत अंपायर पर गुस्सा हो गए। दरअसल अंपायर ने ओबर मकोए द्वारा डाली गई एक गेंद को नो बॉल नहीं दिया, लेकिन ऋषभ पंत को लगा कि वो गेंद नो बॉल थी, जिसकी वजह से वो पवेलियन में से ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और अंपायर से अपील करने लगे कि इस गेंद को नो बॉल दीजिए, यह कमर से ऊपर, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली टीम के मैनेजमेंट के एक आदमी को भी मैदान में भेज दिया, लेकिन अंपायर ने अपना डिसीजन नहीं बदला और ऋषभ पंत को चुप बैठना पड़ा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरीके की और IPL से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।